यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत हिफाजत से होंगे। आज की वीडियो है जी सब उन चीजों के बारे में जो आपका हाइलाइटर टूट जाता है, आपका ब्लश ऑन टूट जाता है या आपकी कॉन्टोर किट टूट जाती है, तो आपने उसको वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल भी दिल नहीं करता हमारा जब हमारी कोई ऐसी बहुत ही फेवरेट चीज टूट जाती है, तो हम उसको संभाल संभाल के अपनी वैनिटी में रखते हैं और वो सारा मेस क्रिएट कर देता है। अगर आपका हाइलाइटर टूट जाए, ब्लश ऑन टूट जाए या कॉन्टोर टूट जाए, तो हम लोगों का दिल बिल्कुल नहीं करता कि हम इनको फेंक दें, हम उनको संभाल के उसी बॉक्स में डाल के रख देते हैं, लेकिन वो सारी चीजों के अंदर मेस क्रिएट कर देता है। तो आज की वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ये सब चीजों को आप रीयूज कैसे कर सकते हैं। आपने खुद इनको बनाकर बड़ी अच्छी एक न्यू लुक देकर इसको यूज कर सकते हैं, आपकी चीज वेस्ट होने से बचेगी और इसको यूज भी कर लेंगे। आज की जो ये ब्लश ऑन आप देख रहे हैं, मैंने अभी लगाई है ये, मैंने मेरी ब्लश ऑन जो है वो टूट गई थी, इसको मैंने रीयूज किया है, एक न्यू शेप दी है और मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप में से भी किसी का ब्लश ऑन, कॉन्टोर या हाईलाइटर टूट गया है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी एक ब्लश ऑन टूट गई थी, मैंने उसको रीयूज कैसे किया। ये आपको जो छोटू छोटू से इसमें पर्ल्स नजर आ रहे हैं, ये मैंने बनाए हैं अपनी ब्लश ऑन से। ये ब्लश ऑन मेरी बहुत ही फेवरेट थी, ये पीची पिंक सा कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद था और ये काफी टाइम पहले जो है ब्लश ऑन मुझसे टूट गया और मैं इसको संभाल के रख रही थी, क्योंकि आपकी तरह बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको गिरा दूं, फेंक दूं, तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था, जो कि मेरा पूरा ड्रॉअर, मेरी पूरी वैनिटी इसने खराब की हुई थी। हर जगह ये गिर के इसका कलर फैल रहा था और सब चीजें इसके रंग में ही रंगी हुई थी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने छोटे छोटे से पर्ल्स बनाया और इनको डाल लिया। ये एक अलग सा इसमें कंटेनर है, तो मैंने यहाँ पे डाल के इसमें इसको स्टोर कर लिया। दो दिन पहले मैंने इनको बनाया था, फिर कल का दिन जो है वो मैंने पूरा दिन इसको लगा के रखा कि इसकी क्वालिटी में कोई फर्क तो नहीं आया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, इतनी अमेजिंग सी ब्लश ऑन रही और पूरा दिन ऐसे ही रही जैसा अभी आपको कलर नजर आ रहा है। थोड़ी सी मैंने भी डार्क लगाई है ताकि वीडियो में जो कलर अच्छा सा लगे। तो इसको आपने कैसे बनाना है, बहुत सिंपल तरीका है, तो वीडियो की तरह चलते हैं, आप उसका बनाने का तरीका देख लें। और आपकी कोई भी ब्लश ऑन, हाइलाइटर या कॉन्टोर टूट चुका है, तो आप उसको एक रीशेप दे दें और उसको इस तरह से पर्ल्स बना के किसी भी खूबसूरत से कंटेनर में डाल लें। भी मेरे पास कंटेनर नहीं था, लेकिन मुझे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं आप लोगों से किस तरह से शेयर करूं, तो मैं फटाफट इसी में डाल के जो मैंने रख लिया और उसको स्टोर किया। तो चलें आप इसका तरीका देख लीजिए जी। तो ब्लश ऑन पर्ल्स बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं। रोज़ वाटर आपको चाहिए होगा, ब्लश ऑन पाउडर या हाइलाइटर पाउडर चाहिए होगा और एक खाली कंटेनर चाहिए होगा। ये मेरी ब्लश ऑन ग्लैमरस फेस की टूट गई थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था इसको फेंकने का, तो फिर मैंने इस पर ये एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा जी, जो आपका ब्लश ऑन और हाइलाइटर टूट जाएगा, आपने उसको अच्छी तरह से स्पून से प्रेस करके इस तरह का बिल्कुल थिन पेस्ट पाउडर बना लेना है कि उसमें कोई भी बड़े बड़े चंक्स या कोई भी इस तरह का बड़ा पार्टिकल ना हो। ठीक है, अच्छी तरह से उसको आप मूव करेंगे स्पून के साथ, तो वो बड़ी प्यारी सी ना अच्छा सा एक फाइन पाउडर बन जाता है। ठीक है, एक स्पून आपने बीच में से एक्स्ट्रा निकाल देना है ताकि थोड़ा सा हमारे पास ड्राई मटेरियल भी होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए होगा तकरीबन 2 चम्मच के करीब, इसमें रोज़ वाटर डल गया था क्योंकि मैं खुद वीडियो बना रही थी, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि एक हाथ से मैं बॉटल को ओपन करूं और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये देखें जी, 1 चम्मच मैंने पहले डाला, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ठीक है, और आपने अपने हिसाब से देख लेना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बना लेना और बहुत ज़्यादा थिक भी मटेरियल नहीं रखना ताकि बॉल भी अच्छी तरह बन जाए और बिल्कुल लिक्विड भी ना बने। जब ये ड्राई हो जाएंगे, आप नॉर्मल किसी भी ब्लश ऑन ब्रश के साथ इसको इसके ऊपर हल्का सा घुमाएं और अपनी ब्लश ऑन के ऊपर लगा लें। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा एक सटल सा जो है ना शाइन आपके फेस पे अच्छी सी आ जाती है, नेचुरल सी लुक लगती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला और उसके बाद मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा और रोज़ वाटर जाएगा, तो मज़ीद मैंने 1 चम्मच और डाल लिया और इसको अच्छी तरह से इसी चम्मच के साथ ही घुमाया ताकि अगर इसमें कोई बड़ा पार्टिकल, कोई चंक है, तो वो अच्छी तरह से इसमें ब्लेंड हो जाए। तो देखें जी, जब आपने इसको मिक्स कर लेना है तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होनी चाहिए और इस तरह का छोटू सा आपने बॉल बना लेना है। बहुत ही मज़े का बॉल बन जाता है और इजीली बन जाता है। ठीक है, और अभी मैं इसको बता भी देती हूँ कि आपने ये किस तरह से बनाना है। थोड़ा सा प्रोडक्ट उठाएं, ठीक है, और उसको बड़े सॉफ्ट हाथ से, हल्के हाथ से आप जब उसको अपनी फिंगर्स में घुमाएंगे तो वो बड़ा प्यारा सा एक छोटू सा बॉल बन जाएगा। ये मैं वीडियो में भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। साइज़ छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं और इस तरह से बॉल बना के आपने इसमें रख देना है अपने ड्राई मटेरियल में, और
तकरीबन आपने ओवरनाइट इसको छोड़ना है। मैंने ओवरनाइट इसको छोड़ा था तो सुबह ये बड़े मज़े के प्यारे से बॉल थे। फिर मैंने एक दिन इसको टेस्ट किया और अगले दिन फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई तो मुझे सबने कहा जी इसकी वीडियो बताएं। तो वीडियो मैंने बना ली थी उन लोगों के लिए क्योंकि मुझे पता था कि ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो जी इस तरह से मैंने ये बॉल बना लिए हैं, अब इनको ओवरनाइट छोड़ दिया था। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप अपना कॉन्टोर, ब्लश ऑन, कुछ भी जो आप टूट जाए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।